बिस्मिल्लिम्स अल्लाम वरम्बर वेलकम टू नीचर्स नीमत अच्छा ये थोड़ा सा बता देंगे आप थोड़ा सा गेस कर पा रहे हैं कि इसमें से दो टू वीक्स पुराना धनिया कौन सा है और फ्रेश धनिया कौन सा है और आ, मुझे भी वैसे थोड़ी सी अब कन्फ्यूजन हो चे हो गई है कि इसमें कौन सा कौन सा था लेकिन चलें अभी याद आप जाएगा कि कौन सा कौन सा है अच्छा तो ये देखें इसको काफ़ी सारी मैंने टेक्निक्स लड़ाई थी कभी काट के रखा कभी फ्रीज़ किया कभी किसी तरह से कि धनिया कैसे कम से कम एटलीस्ट थ्री वीक्स जो है वो आपका एक गट्ठी चलती रहे अपनी ज़रूरत के हिसाब से तो काफ़ी सारी टेक्निक्स के बाद अलहमदल अलहमदिल्ला मुझे एक तरीका मिला है जो कि मैंने पर्सनली उसको एक्सपीरियंस कर रही हूँ प्रैक्टिकली उसे कर रही हूँ जिसकी वजह से जो है ये वाला जो है मेरे हाल में ये पुराने टू वीक्स पुराना है और जो साथ वाला ज़्यादा वाला धनिया है वो फ्रेश है क्योंकि इसमें थोड़े ऐसे ये आपको येलो पत्ते भी नज़र आ रहे हैं अच्छा करना आपने क्या है इस तरह से एक बॉक्स ले लें Uh, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नॉर्मल बॉक्स नहीं लेना आपने ऐसा बॉक्स लेना है जिसके अंदर ये रेड लाइन लगी हो यानी कि एयर टाइट बॉक्स लेना है आपने छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है अब ये देखिए जो आपको ड्रॉप्स नज़र आ रहे हैं ये मैंने अभी अभी फ्रिज में से निकाला था तो ये थोड़े से वो वाले ड्रॉप्स उसके नज़र आ रहे हैं आपने एयर टाइट बॉक्स ले लेना है और आपने क्या करना है कि अपने धनिये को अच्छी तरह से साफ कर लें वैसे ये भी हो सकता है कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो पहले धो लेते हैं उसको बहुत अच्छी तरह से टेबल पे फैला के सुखा लेते हैं पंखे के साथ और फिर बाद में उसको रखते हैं लेकिन मुझे वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे थोड़ा सा लगता है कि वो उसमें जल्दी आपके वो धनिया फिर भी कहीं ना कहीं बिना भी रह जाती है ख़राब होना शुरू गलना होना शुरू हो जाता है तो मैं तो आप लोगों से यही प्रेफर करूँगी कि आप उसको पहले रख लें और बाद में जो है जैसे ज़रूरत पड़े थोड़ा सा निकालें और उसको धो के तो इस्तेमाल कर लें आपने इस तरह से जब ये एयर टाइट बॉक्स ले लिया और उसको उसको बॉक्स को भी देखना है कि वो बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो और उसके नीचे जो है वो टिश्यू की एक लेयर लगा लें मैं बाद दफ़ा लगा लेती हूँ बाज़ दफ़् नहीं लगाती अभी मैंने नहीं लगाई उसकी लेयर तो अब ये फ़्रेश धनिया था इसको मैंने नीचे रख लिया है और इसके ऊपर जो है ये जो टू वीक्स पुराना धनिया है वो मैंने उसको ऊपर रख लिया अगर उसमें कोई गली हुई टहनी थी तो वो मैंने निकाल दी थी ये देखिए मैंने इस तरह से दोनों धनियाँ रख ली है ताकि मैं पुराने वाले को पहले इस्तेमाल कर लूँ नए को बाद में इस्तेमाल करूँ और इसके बाद ये मैंने इसके ऊपर ये जो है टिश्यू की जो लेयर है वो मैंने इसके ऊपर दे दे रही हूँ ताकि जो है जो नमी वगैरह फ्रिज की नमी आएगी तो पहले वो टिश्यू एब्जॉर्ब करेगा बाद में जो है तो वो धनिया तक पहुँचेगी तो ख़राब नहीं होगा इस तरह से अब आपने इसको कवर कर लिया इसकी एयर टाइट जो ढक्कन है उसके साथ इसको कवर कर लिया और अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे लेकिन बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप फ्रिज में रखें तो कोशिश करें कि ये किसी दीवार के साथ ना लगे क्योंकि जैसे ये दीवार के साथ लगेगा तो इसमें नमी बहुत जल्दी आ जाएगी और ये विद इन अ वीक इंस्टेड ऑफ़ टू थ्री वीक्स विद इन अ वीक जो है ख़राब होना शुरू हो जाएगा इसको फिर जैसे आप डेली निकाला करेंगे जब आप इस्तेमाल के लिए निकाल रहे हैं तो उसके साथ आप देख लें अगर कोई गली हुई चीज़ है तो उसको उसको निकाल दें मेरे पास ये धनिया पुदीना भी था तो ये मैंने इसके ऊपर ही उसी जो है टिशू के ऊपर रख दिए जैसे ज़रूरत पड़ेगी इस्तेमाल कर लूँगी दुआओं में याद रखिएगा जजाकल्ला हाफिज़